नमस्कार, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ, तीन चार टॉपिक पे बात करेंगे, कोरोना अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ वर्करों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ टाइम टेबल शेड्यूल किया है, उसके बारे में बात करेंगे भाई। फ्लाइट के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज देख रहे हैं भाई पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कोरोना अपडेट की क्या स्थिति है सऊदी अरबिया में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही टॉपिक है। हालांकि लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, पूरा चक्कर इसी के पीछे घूम रहा है पूरे वर्ल्ड का। तो अपडेट बात करें कोरोना अपडेट सऊदीया में भैया, 1,32,000 केस अभी तक पॉजिटिव हैं, उनमें से लगभग 1,000 प्लस डेथ अभी तक हुई हैं। तो डेथ रेशियो तो इतना ज़्यादा नहीं मान सकता मैं, ठीक ठाक है। और बाकी रिकवर सऊदीया गवर्नमेंट कर रही है अच्छे से, कर्फ्यू लगा के, लॉकडाउन लगा के, जैसे भी है सख्त नियमों से जुर्माना करके कंट्रोल उस पर किया जा रहा है। और लगभग 87,000-88,000 के करीब रिकवर कर लिया गया, तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा कोई नहीं है। 25-30,000 का मीटर आंकड़ा है, तो भाई इतना तो चलता है, आपको पता ही है, ठीक ठाक है। बाकी कंट्रोल कर लिया जाएगा इस महीने में, उम्मीद है कि सऊदी गवर्नमेंट कोरोना से उभरेगी। आगे हम बात करेंगे भाई, देखिए सऊदी गवर्नमेंट में आपको पता है गल्फ में कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए यही दुबई गवर्नमेंट ने भी अपने मजदूरों के लिए टाइम टेबल सेट किया है कि 12 बजे से 3 बजे तक उनको काम नहीं करवा सकते। सऊदीया गवर्नमेंट ने भी कुछ क्षेत्रों में ये छूट दी है, जैसे गैस का प्लांट है, गैस की कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर उतर के काम करते हैं, या फिर तेल, ये जो तेल से संबंधित आपको पता है, पेट्रोल डीजल से संबंधित जो वर्कर हैं, उनके लिए सहूलियत दी है कि भाई 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में उनसे काम नहीं करवा जाए। ये नियम लागू हुआ है 15 जून मंडे से लेके 15 सितंबर तक 2020 तक, यानी 3 महीने के लिए नियम लागू रहेगा। 3 महीने तक भाई आप देख लीजिए, अगर कंपनी आपसे काम करवाती है तो बिल्कुल आप मना कर सकते हैं, आपके पास नोटिस आ गया होगा। 15 जून से सऊदीया गवर्नमेंट ने यह नियम लागू कर दिया है 3 महीने के लिए। और मुझे उम्मीद है साथियों, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वर्कर, आपको पता भाई 80-90% लोग तो कंस्ट्रक्शन वाले ही हैं, उनके लिए भी मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप ट्राई करें अपने स्तर पे कि ऐसा कुछ नियम बना है, सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ 3 महीने के लिए नियम निकाला शॉर्ट नोटिस में कि भाई, क्योंकि आपको पता है कंस्ट्रक्शन में कितने हार्ड काम होता है, 50% प्लस पारा, आपको पता है गर्मी कितनी भयंकर होती है, तो काम करना मुश्किल हो जाती है एक वर्कर के लिए। तो आप ट्राई करें कि 12 से 3 का आपके लिए भी ये सहूलियत मिली है क्या, क्योंकि मेरे पास जो न्यूज़ है ये सिर्फ ऑयली पदार्थ जैसे तेल हो गया, या फिर गैस से रिलेटेड हैं, या फिर आपातकालीन रख रखाव वाले होते हैं, जो आपातकालीन वर्कर होते हैं ना अलग से, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के काम करते हैं, ये समझ लीजिए आप नॉर्मल भाषा में, उनके लिए भी 3 घंटे का रेस्ट दिया गया है 12 से 3 का। और मैं उम्मीद करता हूँ सऊदीया गवर्नमेंट से कि आपके कंस्ट्रक्शन वालों के भी लिए भी यह नियम होना चाहिए, या फिर हो सकता है लागू कर दिया गया होगा, आप अपने स्तर पर भाई ट्राई कर लीजिए। आगे हम बात करें भाई लास्ट टॉपिक फ्लाइट से रिलेटेड, क्योंकि आपके क्वेश्चन हो सकते हैं तो मैं आंसर दे दूं। देखिए, गवर्नमेंट ने अपने स्तर पे पूरी कोशिश कर रही है वंदे भारत मिशन में, सऊदीया से इतनी फ्लाइटें नहीं मान सकता मैं, संतुष्ट मैं नहीं हूँ कि बहुत कम फ्लाइटें हैं, इस बात को मान सकता हूँ, क्योंकि जितने लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, उनका ही नंबर नहीं आ रहा है भाई। नॉर्मल तो कस्टमर का या नॉर्मल वर्कर का नंबर कहाँ से आ जाएगा, सऊदीया में इतने ज़्यादा लोग बीमार बैठे हैं, वो 20 इंडियन एम्बेसी उनको लेके नहीं आ रही इंडिया, तो मैं मान सकता हूँ कि ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। बाकी आज सुबह का एक ट्वीट आ रहा था GDCA का कि उन्होंने 870 यानी 850 के करीब फ्लाइटें स्टार्ट करी हैं, अभी हो जाएंगी, तो उसमें कैसे कैसे कौन सी कंट्रियों के नंबर आने वाले हैं उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे।